हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं टेक्निकल करण वीके। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि आप फ्लिपकार्ट शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए जाना होगा आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्लिपकार्ट, मेरा नेट ओपन नहीं है, मैं नेट ओपन कर लेता हूँ। फ्लिप देखिए, ही फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आ गया। आपको इस पर क्लिक करना सबसे ऊपर वाले पे और इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा था इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, मैं ओपन करता हूँ। मेरे फ़ोन में फ्लिपकार्ट दो है, तो आपके फ़ोन में सिंगल होगा तो इसलिए आपके पास सीधा ओपन होगा, तो मैं दूसरे वाले को ओपन कर देता हूँ। देखिए, ओपन करते हैं, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको देखिए लेफ्ट साइड में थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर लिखा होगा माय अकाउंट। माय अकाउंट के बाद आपको ऐसा दिखेगा, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे, देखिए नीचे लिखा है ग्रीन सॉरी ब्लू कलर में न्यू टू फ्लिपकार्ट सिंक, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है अपना। सिंपल इस पर क्लिक करना है सिंगअप पे और दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है अपना। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप फॉरगेट पे क्लिक करके पासवर्ड को कर सकते हैं, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, फिर आप अपने यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देना। तो मैं भी मुझे भी नहीं पता अपना पासवर्ड, देखिए ओटीपी अपने आप ये वेरीफाई कर देता है। अब आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। कुछ गड़बड़ है, देखिए ये आपका सिक्योरिटी प्रो हो गया। तो अब आपको दोबारा से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, नहीं सॉरी यहाँ पे अब दूसरा आ गया, देखो ये आ गया। तो देखिए मैंने पहले से यहाँ से नाम लिख रखा है अपना, आपके पास यहाँ पे नाम लिखने का आएगा और मेल फीमेल को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो मैंने पहले नाम लिख रखा हुआ, मेरा नंबर भी यहाँ पे आ गया। तो आपको नीचे जाना है स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा है एड एन एड्रेस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपको अपने एरिया का पिन कोड पता है तो आप यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं, अगर नहीं आपको पता है तो आप यहाँ देखिए यूज माई करेक्ट लोकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर देता है आपकी सारी लोकेशन को, जहाँ पे आप बैठे हैं अभी, मतलब जहाँ आप अपने प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं वहीं से आपको वो कर लेगा सारी सिलेक्ट अपने आप। तो मैं भी इस पर क्लिक करता हूँ, अलाउ कर देते हैं इसको। देखिए कंफर्म का ऑप्शन आएगा, आपको कंफर्म कर देना है और यहाँ पे आपको जो आपके आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस लिखा होता है आपको यहाँ पे वो डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। ये डर गया। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपके कोई जो आपके घर के आसपास कोई पॉपुलर जगह हो या कुछ कुछ भी हो, तो मैं डाल देता हूँ, मेरे घर के पास टावर है सॉरी टावर टावर के पास। और यहाँ पे आपको अपना नेम फुल नेम डालना है सॉरी और यहाँ पे आपको अपना नंबर डाल देना है जिस नंबर पे आप कॉल करना चाहते हैं, ताकि फ्लिपकार्ट वाला आए और आपको कॉल करे। आपका नंबर डाल देना है, आप यहाँ पे दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं, सेम भी डाल सकते हैं सॉरी, आपको दूसरा नंबर डाल देना है यहाँ पे आप अपना। और आपको यहाँ पे जो जो आपको लिखा है होम एड्रेस, तो आपको इस पर क्लिक करना है, आप ऑफिस भी क्लिक कर सकते हैं, तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ।
देखिए हमारा एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब आपको यहाँ से सर्च का आइकन दिखाया जा रहा है, आपको इस पर अपना जो भी आपको ऑर्डर करना है वो आपको यहाँ सर्च करना है। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ बोया का माइक्स, तो मैं सर्च कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास बोया के माइक के बहुत सारे वर्जन आ गए, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है आपको यहाँ से परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ये वाला है 3000 रुपये का, आपको 63% इस पर ऑफ है, 63% आपको उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं ये वाला देखता हूँ। तो दोस्तों आपको अगर जो आपको यहाँ से एक को ऑर्डर करना है तो आप बाय नाउ पे क्लिक करिए, अगर आपको ज़्यादा को यहाँ से करना है तो आप कार्ड ऐड टू कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लिखा आ रहा है कि आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से एड्रेस चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं नहीं करना चाहता, अब आपसे पूछेगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। अगर आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो कनेक्ट कीजिए, और अगर कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी चाहता हूँ तो उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी पे कर देता हूँ। अब दोस्तों आपके पास ये कोड आएगा, सबके पास अलग अलग आता है, तो आपको इसमें एंटर कर देना है। तो देखिए ये हमारा ऑर्डर हो गया, अब हमें इसको इस पर क्लिक कर देना है। नहीं भी छोड़ भी सकता है वैसे इसको, इसने क्लिक किया भी, गो टू माई ऑर्डर। ये फ्लिपकार्ट वाले कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास एक मैसेज भी आ चुका है, सॉरी कि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। इसको बैक करके थोड़ा बैक कर दीजिए और इधर थ्री डॉट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि माय ऑर्डर में क्लिक करके देखिए आपके ऑर्डर की डिटेल आ गया, आपको इस पर क्लिक करना है। और ये देखिए आपको जो आपने ऑर्डर किया वो कब तक आपके पास पहुंचेगा, यहाँ पे आपको इसकी फुल डिटेल दिख रही है, इसकी लोकेशन भी सब कुछ। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों जल्दी से तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।